आपने ये टेस्टामनी सुनी, पर परमेश्वर ने मुझे कहा था कि मैंने जितने भी तेरे जीवन में काम किए उन सब की टेस्टामनी तूने फिर से देनी है। अभी ये देखो, आने वाले दिनों में मुझसे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना जाएगा ये, और बहुत जल्दी होगा। हाँ, और एक समय था जब ये पैदा हुआ और मेरे सामने बहुत बड़ी एक व्यक्ति जिसे हम हालात बोलते, बहुत ही बड़ा था। और तब मैं प्रभु में बिल्कुल नया था। हाँ, और मुझे कोई आत्मा की बातों की ज्यादा समझ नहीं थी। हाँ, अभिषेक क्या होता है, अभिषेक कैसे काम करता है, विश्वास कैसे काम करता है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था। तब मैं नया था जब इसका जन्म हुआ था। हाँ, क्योंकि मेरी शादी होने से पहले मैं 3-4 महीने पहले प्रभु में आया था। हाँ, अभी इसके जन्म से आप हिसाब लगाओ कि कितना टाइम हुआ होगा मुझे। तो जब इसका, आपने पहले भी टेस्टामनी सुनी, हमने पहले भी दी मिस कैरेज की, और उसके बाद परमेश्वर ने हाँ हमें ब्लेस किया और इसे दिया। पर जब इसका जन्म हुआ, जैसे ही इसका बर्थ हुआ, इसका जन्म हुआ, तो जो हॉस्पिटल की जो नर्स है उन्होंने मुझे ऐसे बधाई दी कि बधाई हो आपके बेटा हो, मैं बहुत खुश हुआ। वो कहते कपड़ा जैसे छोटे बच्चे कपड़ों होते ना, वो कहते लेकर आओ। और मैं लेने के लिए गया तो मैं वापस आया, तो जब मैं अंदर आ रहा तो डॉक्टर ने इसे खुद, जो हॉस्पिटल का जो डॉक्टर था बड़ा, उसने इसे अपनी गोद में उठाया और एक छोटी ऑक्सीजन का पंप होता है वो लगाया। और मैंने कहा क्या हुआ, कहते उस बच्चों के हॉस्पिटल में लेकर आओ, ये सीरियस है, इसे सांस नहीं आ रही, इसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और वो जल्दी जल्दी वो अपनी गाड़ी में ले गया और मैं बाद में उस हॉस्पिटल में गया, मैंने पूछा क्या हुआ, और वो जो बच्चों का स्पेशलिस्ट जो वो हॉस्पिटल था, जो उस डॉक्टर से मैंने बात की क्या हुआ, वो कहते इसके सिर को धब्बा आ गई है, इसकी हालत बहुत खराब है, इसके अपने जो साए वो बहुत कम है, हम कोशिश करेंगे, परमेश्वर हाँ परमात्मा करेगा, हाँ हम तो कोशिश करेंगे, बहुत कम चांस है, हम फिर भी कोशिश करेंगे। तो जब उन्होंने ऐसे कहा तो एकदम क्या हुआ तो एकदम से ऐसे निराशा मेरे जीवन में आ गई। तो मैंने कहा कि ये कब तक सही होगा, उसने कहा है इसके अच्छे होने के लिए 72 घंटे हम 3 दिन का आपको मोहलत देते हैं, 3 दिन के बाद आपको बताएंगे किसने बचना है कि नहीं। अब आप बताओ, अब किसी को जब जे जुआ, ये मेरा पहला बच्चा था, अगर किसी को ऐसा कोई बोले तो उसका मन कैसा होता है। हाँ, पर मैंने धीरे रखा, मैंने विश्वास रखा कि परमेश्वर मेरे साथ है। हाँ, जो साल में 365 दिन होते हैं, हाँ हर दिन वो हमें कहता मट्ठर मैं क्या हूं तुम्हारे साथ हूं। और उसका वचन मेरे जीवन में था। हाँ, उसका वचन भी था और उसका आत्मा भी था, और मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता था, पर जो उसका आत्मा है, जो बाइबल में लिखा, वो हमारी दुर्बलता ही हमारी कमजोरी में क्या करता है, हमारी सहायता करता है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, और एक हॉस्पिटल में इसके मम्मा, क्योंकि ये सिजेरियन से इसका बर्थ हुआ, बड़े ऑपरेशन से ये पैदा हुआ, और एक हॉस्पिटल में इसकी मम्मा और एक में ये, और ऐसे मेरा मन एकदम तो उस समय ऐसा हो गया, कभी मैंने उस साइड जाना इसके पास, कभी उस साइड जाना, और मैंने कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था, बस में मुझे एक ही पता था कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, जो मेरी दुर्बलताई में क्या करता, मेरी सहायता करता, क्योंकि मैं उद्धार और आत्मा पाया हुआ व्यक्ति था और मेरे पास आत्मा था। और मैं कुछ नहीं करता था, मैंने सारा दिन सुबह से लेकर रात के 12-1 बजे तक मैं अन्य भाषा ही करता रहता था। क्या रहता था? अन्य भाषा, बस अन्य भाषा करता रहता था। हाँ,
उन्होंने 3 दिन की मोहलत दी, मैंने 3 दिन 72 घंटे सुबह से लेकर रात के 12-1 बजे तक पूरा दिन इस साइड जा रहा हूं तदन, इसके पास जा रहा हूं बस स्वाय खाने और पीने के अलावा मैंने पूरा पूरा दिन अन्य भाषा की, क्या की खैर भाषा से किससे बातें की, क्योंकि बाइबल में लिखा जो आत्मा से बातें करता वो किससे बातें करता है, और आत्मा हमारी दुर्बलताई में क्या करता है, सैतान, और लिखा बाइबल में पवित्र लोगों के लिए वो सिफारिश करता है, क्या करता है, अगर आपको इस लाभ की चीज का पता नहीं है तो आप लाभ नहीं ले सकते। मैंने क्या कहा था कि परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है, अब हम हमारी बारी है। तो जब 72 घंटे 3 दिन गुजर के चौथा दिन आया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, फिर मैं जा रही, 5वां दिन आया अभी भी उन्होंने, फिर मैं जा रही, 6वें दिन जाकर उन्होंने कहा आपका बच्चा सही है, तब जाकर मैं रुका, कैसे तब जाकर मैं रुका। इसलिए देखो हर चीज में परमेश्वर ने आपको जीत दे दी है, देगा नहीं दे दी है, बोलो क्या है, देगा नहीं दे दी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप अपने कैसे उससे लेना है। हाँ, अगर आपकी उस आत्मा की जरूरत नहीं, बोलो क्या है, अगर आपकी आत्मा की जरूरत नहीं है तो आप नहीं ले सकते, अगर आपके अंदर उस आत्मा की भूख है, आप चाहते हो पवित्र आत्मा को पाना, हाँ बोलो क्या है, जब शिमोन जादूगर उस आत्मा से फिलिप जब सामरिया नगर में बड़े बड़े काम कर रहा था, तो एक शिमोन जादूगर जिसने पूरे उस नगर को अपनी शक्ति से चकित मतलब हैरान कर रखा था, जब उस आत्मा की सामर्थ को देखा तो लिखा बहुत से वो रुपये लेकर आया कि ये जो शक्ति का वरदान है मुझे भी दे। देखो संसार में लोग उसको पैसों से खरीदना चाहते हैं, परमेश्वर आपको फ्री में दे रहा है, अब तब भी लेना नहीं चाहते। कितने लोग हैं जो जिन्होंने कितने लंबे समय से वो प्रभु में, अभी तक उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया, अभी तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, अभी तक उन्होंने लगता है कि मन से यीशु को क्या नहीं किया, समझते हो, अगर बपतिस्मा नहीं भी लिया, अगर उसने मन से यीशु को अपना उद्धार करता मुक्तिदाता मान लिया तो वो उद्धार पाया और आत्मा पाया हुआ व्यक्ति। हाँ, क्योंकि मैंने जब मुझे किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया था तो मैंने पहली बार बताया, अभी मेरा बैप्टाइज भी नहीं हुआ, उन्होंने ऐसे यीशु के बारे के कौन है वो, बस ऐसे मेरा अंगीकार कराया और मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, और उसी समय मुझे परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दे दिया पहले दिन। अगर आप बुद्धिमान हो, हाँ, इस गवाही से आज से आप इस गिफ्ट को लेने के लिए तैयार हो जाओ, अगर आप जीतना चाहते हो, बोलो, अगर अपनी लाइफ में हर चीज में जीतना चाहते हो तो जो चीज मैंने की आप भी करो। अगर मैं उद्धार पाया हुआ आत्मा पाया हुआ व्यक्ति ना होता तो शायद आज ये जिंदा ना होता, बोलो, शायद ये आज जिंदा ना होता, क्योंकि मैं जानता हूं इसकी कंडीशन क्या थी, पर परमेश्वर ने हमें हर चीज में क्या दे दी है, जीत दे दी है, इसलिए तारीफ करो इस गवाही के लिए। जाओ तारीफ करो।